जी राम राम सा। आज अपना न्यू ब्लॉग में था सब लोगों का स्वागत है। मारा सागे वीडियो में ये बनया रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ये खेतीबाड़ी को काम करता रहो, भाग भाग के काम करो। भाई जी आपा छोटो मोटो काम घरेलू जरूर करवा, सारे दिन ठाला कौन बैठ रहा, लागे रहा गठन बठन हांडा फेरी सब कुछ अपने चालू रहे। जाए जाए काम जो करना है वो करना है, अपना कोई शर्म को नहीं। तो भाई जी घर को काम सब करना चाहे, मुश्किल को नहीं आवे। और काल भी बारिश हुई और आज मौसम हो रहा ख़राब, आज भी बारिश आओगी वो झुक रहेगी सब ना खराब। काल तो खींच के हो रही है और कि पाँच छांगड़ बारिश हो ही है। काल बारिश तेज हुई भी की वजह से अठन रोड को पूरा सही लेवल में गुनी है, तो थोड़ी सी बारिश होता है पानी भर जाए। संजू जा रहे दुआई लेने, ये कपिल मेरे को दुआई दुआ के लेके आ रहा है, हम जा रहे हैं। ये हमारा गुड्डू है भाई साहब, गुमार के अंदर से उपाड़ लिया। हाँ कहाँ सफा, अब बहुत सी चरी चारी है को नहीं डांग रहा था, नहीं क्यों तले जाना पड़े ये वास्ते। अपा उपाड़ रहे हैं घास, बार खेत कमन थोड़ी बहुत है, बेला गया छोटा छोटा काचरा ला गया सब्जी वाला। तो भाई जी अब क्या राफान भी खाने के लिए मिलेगी देसी सब्जियाँ की। भाई साहब आज मौसम यो देखो, चारों मेर खुंटी तान रखी एकदम बहुत जोर की। और अब की बार किसाना नाज बोरी में को निकालन थे, खराब करके छोड़ सी गाड़ा गोइन। और कई कई भाया कह जी का मोट हा बहुत राजी हो रहा कि भाई मारे मोट ही, तो भाई मोट तो मारे भी। और बह इस हाबू बारिश हुए आपकी बार खराब ही एकदम, पर ये गुआर का जरूर फायदो जैसी वो थोड़ो अड़सारे हो पानी का भाव में, तो इन आ थोड़ी बारिश वारिश लाग सी जना यो भी थोड़ो जच जैसी और थोड़ी बहुत ही नाका लाग सी। नहीं कह क्यों होने लाग बड़ो वो एकदम बांगरू हो एकदम डांगरा ने गाल बड़े हो तो, और ये क्यों नहीं हो तो बेड़ा कर बाकी बेकार कौन बावड़ती बात आई सीधी सी, पर अभी भी बेकार बावड़ती। लेकिन आए साबू बारिश रिया बाजरा ने भी खराब करेगी और मूंग मोट बस तो 100% खराब हो। बार जोड़ा का मान भी बारिश तेज होने से पुसवाग दे लो चरबाता एकदम मरियो बराबर खड़े हो रहे एकदम यहाँ, और दबा की चर में पशु चरबा भी लाग रहा है। अब यार पशुआन चरबा चरबा की कोई समस्या होने वाली है, नहीं तो ही टाइम पर सुखेड़ हो जाना समस्या जाएगा। के वे खाने में बना है चावल, ये कड्डी, ये रोटी, बड़ा स्वादिष्ट खाना होने वाला है। चावल कड्डी रोटी अफा जा रहा है कोई गांव, लेकिन बारिश आ गई तो भाई सिस्टम पूरा पैकेज करना पड़े अपन। साधन खड़े अपने यमराज इधर स्टार्ट कर। बारिश का मायने पहाड़ा को पड़ जाओ सुंदर, यहाँ चारों मेरो यहाँ बाठा ने घेर रखा है, जहाँ खेत में मजूरिया फसल ने घेरेडी रखे हैं लावणी करती टाइम। और देखो बादल एकदम छू की चाल रहे हैं पहाड़ा का इस साइड में देखो। अरे वो और इस साइड का इस साइड में बादल हो रहा है और बारिश है ना भाई जी तेज हुई। और अरे वो बारिश की वजह से आपा भीग भागा तो थोड़ी देर रुको, अफास बारिश तेज आने की वजह से गेर लग मार रुक गया और आप माऊ से कहीं रुके बट हम चलना है, बारिश अब थम गई है उल्टा ही हम चलना है। और देखो सामने बादल कितना तेज हो रहा है, देखो भाई पहाड़ियों के बीच सुंदर नजारा,
ऐसा नज़ारा पहाड़ों के अंदर ही देखने के लिए मिला है। अरे दूर दूर तानी बादल सारे एकदम, इस साइड में बारिश को नहीं हो रही है, इस साइड में एकदम क्लियर दिख रहे मौसम, एक ही साइड से क्लियर दिख रहे और बाकी एकदम चारों तरफ बादल हो गए। ये देखो जी पहाड़ी एरिया का आनंद में मौसम एकदम तकड़ो तकड़ो, बारिश थमने का बाद में मौसम एकदम खुल गो है। और अब वापस आ रहा भाई अपने बाइक कोटड़ी, तो बिक लिए अब तैयारी है। अजय साहब आया है अंदर से, मेरे को इधर मौसम ले लो और अब हाँ अब तैयार होकर जाऊँगा, शायद बारिश हो जू आज के। और देखो सामने इस साइड के मारे बारिश बादल हो रहे हैं, तो बारिश आज के बाबरा पहुँचना अड़े हूँ। अब कोटड़ी थोड़ी दूर है तो आपका बाइक ना पहुँच बड़ा यहाँ पहाड़ा का मन दर्शन बहुत जोर जोर का हो रहा है। मस्त पुरानी हवेली है क्या? आज भाई भाई की हवेली बना का जो देखो रास्ता को सुंदर नजारा और साथ में ट्रेन भी चल रही है, साथ में हरियाली और खेती बाड़ी एरिया सारा कॉम्बिनेशन मिला, बहुत ही आनंद मिल रहा है। अब बहिपोड़ के किनारे ट्रेन का शाम के दानी और एक साथ में घूमता घूमता अब पहुंच गया वही घर और एक साथ में वीडियो करा एंड मिला नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ब्लॉग का माइन और नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।